महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप पहली बार फ्लाइट में जाते हैं तो वहां के वॉशरूम को कैसे प्रयोग करना है। अब ये टाइटल सुन के बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे ये क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो सबको पता होता है। जी नहीं दोस्त, ये सबको पता नहीं होता है। आपको भले पता है क्योंकि आप नौजवान हैं, युवा हैं, आप हमेशा ट्रेवल करते हैं, यूज करते हैं। पर ऐसे तमाम बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े चाचा जी हैं, आंटी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि फ़्लाइट का जो है टॉयलेट कैसे प्रयोग किया जाता है। इवन मैं भी जब फ्लाइट से बेंगलोर के लिए जा रहा था तो उस समय भी मेरे सीट के बगल में दादाजी बैठे हुए थे, जो सोचिए उनको टॉयलेट आया था पर वो नहीं जा रहे थे, कह रहे थे कि हमको लाज लग रहा है, हम जाएंगे तो पता चला कि नीचे किसी कपार पे तो नहीं गिरेगा हो हैं। तो एक सुन के थोड़ा सा मेरे को हंसी भी आ रहा था, लेकिन फिर मैं उनको समझाया, कह रहे दादाजी बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो गए भी वॉशरूम में तो वो यूज नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं था कि चीज़ें कैसी होती हैं। तो चलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और मैं फ़्लाइट में गया हूं, तो सोचा कि वॉशरूम का भी एक अलग से वीडियो बना लूं ताकि आप लोग को भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कैसे आप जो है फ़्लाइट में वॉशरूम का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा छुप के वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि वैसे तो फ़्लाइट में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर फिर भी आप लोग की सहूलियत के लिए मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है फ्लाइट का टॉयलेट जिसको कमोड बोला जाता है। ये इंग्लिश वर्जन टॉयलेट होता है और इसी में आपको पी भी करना होता है, यानी कि आपको टॉयलेट भी करना होता है और लैट्रिन वगैरह आता है तो भी दोनों यहीं पे करना होता है। जब भी आप अक्सर जाएंगे फ्लाइट में तो ढक्कन कुछ इस प्रकार से बंद रहता है तो उसको ऊपर उठा के खोल दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर टिश्यू पेपर रखा रहता है, तो अगर आप टिश्यू पेपर का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हाथ वगैरह पोंछना हुआ तो यहाँ से आप निकाल के आराम से टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ें नहीं पता होती तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ से जो है आराम से आप टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। ये शीशा लगा हुआ है, इसमें आप चेहरा देख लीजिएगा, हाथ मुँह धो लीजिएगा, सुंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी जस्ट बगल में टिश्यू पेपर मिल जाएगा, अगर नीचे में टिश्यू पेपर ख़त्म हो जाता है तो उसमें से घींच के आप टिश्यू पेपर आराम से निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा एक डस्टबिन बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये डस्टबिन है, इसी में आपको यूज करने के बाद डाल देना है, फेंकना नहीं है, फ्लाइट को गंदा नहीं करना है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो पोंछने के लिए होता है कि अगर मान लो आप पानी को प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो पोंछ सकते हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पानी से आप हाथ धो सकते हैं, जैसे इसको आप टैप करेंगे यानी आप दबाएंगे तो पानी आएगा, छोड़ देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। इसके जस्ट बगल आप देख रहे हैं तो इसको आप बोलते हैं हैंड वॉश या फिर साबुन कह लीजिए, दबाइएगा तो निकलेगा, फिर हाथ हाथ एकदम माँज लीजिएगा, फिर पानी से जो है धो लीजिएगा। कुछ यही प्रोसेस है दोस्तों फ्लाइट के टॉयलेट का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वॉशरूम कैसे प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम का प्रयोग किया हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बना रहा हूँ, उसी में यूज भी करना है, तो बार वाला ठकठकाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना के हटा दिया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो मिलते रहे। हर हर महादेव।